कॉम, मैं मैसेज यहाँ से आप लोगों को लेवेश फूड में करती हूँ वेलकम। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे जो अपने किचन में बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी हम बना रहे हैं चटनी। आज मैं आप लोगों के साथ एक चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये है टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी है, आप लोग इसको एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आराम से बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये चटनी। और मैं अब आप लोगों को बताऊंगी इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो टमाटर। आधा किलो टमाटर को मैंने रफली कट कर लिया है, क्योंकि रफली मैंने इस वजह से कट किया है, इसमें थोड़े से चंक्स इसके नज़र आते हैं तो ज़रा खूबसूरत लगती है ये चटनी, अच्छी लगती है। और मैंने इसके जो है वो छिलके भी नहीं उतारे हैं टमाटर के। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसके छिलके जो हैं वो गर्म पानी में टमाटरों को डाल के और आप इसके छिलके रिमूव कर सकते हैं, अगर आप लोग इस तरह से नहीं खाते हो तो, ठीक है। वरना मुझे जो है वो थोड़ा सा उसमें चंक्स और थोड़ी सी चीज़ें नज़र आना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा नज़र आता है टमाटर तो ज़रा सी खूबसूरती उसकी मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर उसी तरह से मैंने इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं वो भी वो मैं अब आपको बताती हूँ। उसमें हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें, ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, और ये हम यूज़ कर रहे हैं तकरीबन, ये मैंने ली हैं 11 या 12 आप ले सकते हैं, क्योंकि चटनी है थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे लगते हैं चटनी में। तो यहाँ पर मैं 11 कूट के हम इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। और हरी मिर्चें हम मैंने ली हैं यहाँ पर, ये तकरीबन ली हैं मैंने 4 मिर्चें मेरे पास मौजूद हैं और उसको मैंने कट कर लिया है। तो इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, बड़े साइज़ की मिर्च थी मेरे पास, तो इसमें जो है आपको अरोमा बहुत अच्छा सा आएगा इसका, ठीक है। अगर आप लोग स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हो तो आप लोग जो है वो छोटी वाली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें अरोमा और टेस्ट दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ली है, तो ये मैंने बड़ी वाली मिर्चों को है, मैंने 4 मिर्चें ले ली हैं और मैंने उसको रफली कट कर लिया है, ठीक है। लहसुन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये लहसुन का इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो ये मैंने तकरीबन यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ के जवे थे तो मैंने इसको भी रफली चॉप कर लिया है, काट लिया है मैंने थोड़ा सा इस तरह से। और ये तकरीबन है मेरे पास बड़े साइज़ के जवे थे मेरे पास, तो मैंने तकरीबन ये 4 जवे लिए हैं, ठीक है। आप भी इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कम पसंद हो लहसुन तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अदरक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अदरक का हमें सिर्फ फ्लेवर चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट हम इन्हेंस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं अदरक को। तो ये हम ले रहे हैं तकरीबन, मैंने ये ली है 1 से 1.5 इंच के करीब का ये टुकड़ा था और मैंने उसको इस तरीके से बारीक मैंने, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप इसको जो है वो ग्रेट भी कर सकते हैं, बारीक वाला जो ग्रेटर होता है आप उससे ग्रेट करके बिल्कुल इसको बारीक कर सकते हैं। नमक आपको लेना है, चटनी बना रहे हैं टमाटर की, उसमें जो हम बघाड़ लगाने वाले हैं, जो तड़का हम लगाने वाले हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तड़का है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर और अरोमा आता है, तो ये मैं काफ़ी सारे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से मैंने काफ़ी सारे इसमें आधा किलो टमाटर में मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। और कलौंजी मैंने ली है, ये तकरीबन जो है ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है 1 चाय की चम्मच, थोड़ा सा कम करके तो इसमें डालूंगी, ठीक है। यहाँ मेथी दाना मेरे पास अवेलेबल है, मेथी दाना साबुत मेथी दाना है ये हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, ये आधी चाय की चमची है, ठीक है, आधी चाय की चमची हमें लेनी है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं डलेगी, आप चाहें आप इससे भी कम कर सकते हैं, तो आप लोग इसी तरीके से जो है इसको ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा अगर आप डालेंगे मेथी दाने को तो ये कड़वाहट पर आ जाता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा कम ही यूज़ कीजिएगा, तो ताकि ये बहुत ही अच्छा सा खुशबू दे आपके चटनी को और आपको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट दे दे। तो हम बनाते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती चटनी, और एज़ यूजुअल इसको पकाने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत है। ऑयल हम लेंगे यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऑयल के यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पर चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ, और जब तक मैं जो है अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ उस वक्त तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को और कमेंट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑयल। ऑयल जो है वो आपको लेना है
ये मैंने 3 चम्मच यहाँ पर ऑयल के ले लिए हैं। 3 चम्मच ऑयल हमें यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जो है वो गर्म हो जाए, ये चमचा मैंने यूज किया है, 3 चम्मच लिए हैं मैंने। ठीक है, इसी तरीके से लीव्स डालेंगे हम, करी लीव्स। ठीक है, कलौंजी हम डाल रहे हैं इसमें 1 चाय की चमची। मेथी दाना हम इसमें डालेंगे तकरीबन, ये हमने डाल दिए है 1/2 चाय की चमची। ये मेथी दाने की हो गई है हमारी, तो ये हम डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको सॉटे करेंगे, ये थोड़ा सा सॉटे हो गया हमारा। अच्छा, अगेन बताती चलूँ कि मेथी दाना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि वो कड़वाहट पर आ जाएगा, फिर वो कड़वा कर देता है। तो जो है वो आपको बहुत ही थोड़ा सा मेथी दाना आपको यूज़ करना है। और ये हमारा यहाँ पर बघार जो है वो रेडी हो रहा है, ये हमारा थोड़ा सा और सॉटे हो जाए। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे, ये हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये तड़का, ये जो है बघार या तड़का जो भी आप कहें, तो वो हम इसको इसमें पहले ही कर लेंगे, हम इसको बाद में ऊपर से नहीं करने वाले हैं, हम इसको जो है वो पहले से ही करने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छी सी, ये मज़ेदार सी चटनी अब यहाँ पर बनके तैयार होने वाली है। तो इसको हम इसमें अब डालेंगे हम लहसुन, अदरक, इसको भी थोड़ा सा ही करना है आपको। ये देख सकते हैं हमारा जो है ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्चें, ये हमने कूट ली हैं और कूट के हमने इसको डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ठीक है, लाल मिर्चों को इसलिए हमें कूटना है ताकि हमारा जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर उतर के आ जाए हमारे ऑयल में। और ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें जो है डालेंगे अच्छा सा मिक्स कर दीजिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी चटनी बनकर तैयार होने वाली है। और आप इसको आप इस चटनी को जो है वो बहुत ही दिन तक आप 1-2 महीने तक आप आराम से इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको अच्छा से चला लिया है और अब हम इसको इसका लेड जो है वो बंद करके हम रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, ताकि थोड़ा सा ये जो है टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। तो जब तक हम जो है इसको रखते हैं, इसका लिड बंद कर दिया हमने, जब तक हम इसको पकाने के लिए रखते हैं और ये गलते हैं टमाटर और पक के तैयार ये होते हैं, तो उस वक्त मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को ये 2 से 3 महीने तक प्रिजर्व करके रखनी है, अब आप क्योंकि इसको रख सकते हैं बहुत ही आराम से, इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप इसमें करना आपको ये है, छोटी सी टिप है कि आप इसमें जो है 2 से 3 चम्मच जो है वो आप वेनेगर ऐड कर दीजिएगा, वाइट वेनेगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच। और जो है आप इसको उसके बाद किसी भी जार में रख के आप उसको फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं और आप इसको 2 से 3 महीने तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा वेनेगर होता है उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, वो प्रिजर्व कर देता है हमारी चीज़ को और वो ख़राब नहीं होने देता, उसमें फंगस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको आराम से आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनने वाली है हमारे यहाँ पर। तो आप लोग इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है और आप इसको एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ, 5 मिनट के बाद जो है हम इसको खोल के देखेंगे दोबारा से और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी से झटपट झटपट से बन जाने वाली चीज़ है। तो आप लोग अगर आपके पास
कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है मेहमानों को, तो आप लोग आराम से इस चटनी को बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं अपनी किसी भी डिश के साथ। जब तक मेरे टमाटर जो हैं वो पककर तैयार होते हैं, उस वक्त तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल लेविश फूड आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो। जी तो जनाब यहाँ पर 5 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और हम इसको जो है वो खोल के देखते हैं। ये देखें आप लोग कितनी ज़बरदस्त ये चटनी जो है वो हमारी तैयार हो रही है। टमाटर जो है वो हमारे तमाम जो है वो पकना शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गया है पकना। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मिर्चों को आप इस तरीके से कुचल सकते हैं चमचे से, और अगर चाहें तो आप लोग इसमें जो है वो कुटी हुई मिर्चें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है। तो ये मैं साबुत रखती हूँ। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बताती चलूँ कि मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, जो कि मैं अब आपको बताऊँगी कि आपको कैसे ऐड करना है वो। और अगर आप ही कुछ मेरी तरह से भूल जाएं, अगर कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करना भूल जाए तो कोई मसला नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कुछ भूल जाएं तो आपको उसका क्या करना है। ठीक है जनाब, ये देख सकते हैं आप लोग, अगर जो चीज़ मैं भूली थी वह थी राई। आपको इसमें एक चाय का चम्मच आपको राई इसमें ऐड करनी है, और उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको इसमें थोड़ा सा ऑयल लेना है, एक चम्मच के करीब आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए। और ऑयल लेने के बाद जो है इसको थोड़ा सा गर्म करना है हमें, और गर्म करके हम इसमें ये तकरीबन मैंने एक चम्मच इसमें राई ली है और ये इसको मैंने इसमें कड़कड़ा लेना, क्योंकि ये जब कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा ये हमारा, ये हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, हमारी जो है अब कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं रही है। तो अगर जो है आप भी मेरी तरह से कोई चीज़ डालना है इसके अंदर भूल जाए तो आप बहुत ही आराम से जो है वो इसको आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको मिला लीजिए ताकि जब तक ये पकेगा तो राई का भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और खुशबू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी होगी। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो कि हमारी चटनी जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सी चटनी मैंने आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर की है। तो इस तरह से अगर कोई भी ब्लंडर मेरी तरीके से हो जाए आप लोगों के साथ भी तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको पकाना नहीं आता है या पका नहीं सकते हो। तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, सब कुछ होगा। और आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी चटनी जो है वहाँ पर तैयार। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग टमाटर को पील करके उसके छिलके उतार के और उसको जो है आप लोग ग्राइंड करके भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इस तरीके से आपको पसंद नहीं आ रही है, इसका टेक्सचर अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं आ रहा है तो आप जो है वो किसी और तरीके से नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खाने को जिस तरीके से बनाना चाहें आप उस तरीके से बना सकते हैं और जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है सब कुछ। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को भी मेरी। अगर आप लोग पेस्ट बना के चटनी बनाना चाहें तो आप पेस्ट बना के चटनी बना लीजिएगा, और अगर एज अ साइड डिश आपको यूज़ करना हो तो मैं प्रिपेयर आपको करूँगी कि आप इसी तरीके से उसको एज अ यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक देगा और आपके जो घर में आने वाले गेस्ट हैं आप उनको बहुत ही आराम से हैरान कर सकते हैं। ये देख लीजिए हमारी ये बहुत ही अच्छी सी चटनी जो है यहाँ पर तैयार हो रही है। हमारी जो मिर्चें थी वो गल चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये भी मिर्चें हमारी गल चुकी हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आया है इसका, कि सबकी भूख जो है वो खुल गई है, बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू है। आप लोग इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, आप लोग इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी साइड डिश के साथ तौर पर आप किसी भी चीज़ के साथ दाल के साथ आप इसको खा सकते हैं, चावलों में डाल के आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की मैंने। तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए और हम इसको इसका लिड बंद करके हम रख रहे हैं, और ये थोड़ा सा और हो जाए तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। वैसे ये जो है वो तैयार होने पर है। ठीक है जनाब, जब तक ये हमारी तैयार होती है, जब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल लेविश फूड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल बटन को तो क्लिक करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप जी। तो जनाब ये देख सकते हैं
ये हमारी जो चटनी है यहाँ पर ये तैयार हो गई है। ठीक है, ये अब हम इसको थोड़ी सी भुनाई हम इसकी करेंगे, भुनेंगे हम इसको ताकि ये अपना ऑयल जो है ये छोड़ दे जो हमने इसमें यूज़ किया था। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्स्चर आया है और जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मज़े की ये बनी है चटनी हमारी। ठीक है, थोड़ी सी इसकी भुनाई होगी बस, और हमारी जो चटनी बहुत ही कलरफुल सी हमारी ये चटनी तैयार हुई है बनके, और आप लोग जो है वो इसको सेव कर सकते हैं 1-2 महीने तक आराम से, 3 महीने तक भी आराम से ये चल सकती है आपके फ्रिज में अगर आप लोग इसको रखेंगे तो। बहुत ही अच्छा सा इसकी बहुत ही मज़ेदार से खुशबू इसकी आ रही है। ठीक है, इस तरह से हमें थोड़ा सा इसको जो है थोड़ी सी भुनाई और करनी है हमें, ताकि इसका थोड़ा सा ऑयल जो है और छूट जाए, छोड़ते ही ऑयल को। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये टमाटर अपना ही पानी इतना ज़्यादा जो है वो रिलीज करते हैं कि हमने उसी पानी में, उसी टमाटर के पानी के अंदर ही हमने इसको पका लिया है और ये पक्के गल के तैयार हो गया है। तो हमने सिर्फ जो है ये मसाले ही हमें ऐड करने हैं और ये बहुत ही ईजीली तैयार हो जाएगी हमारी चटनी। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा इसका जो है वो टेक्सचर आ गया है, इसकी कितनी कलरफुल सी है ये। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये डिश आउट करने के बाद। आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं 2-3 महीने तक, ये आराम से आपके फ्रिज में प्रिजर्व रह सकती है। और लेकिन आपको करना ये है सिंपली कि आपको इसके अंदर 2-3 चम्मच जो है वो वाइट विनेगर के यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको डिश आउट करके रख दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ही आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा इसका टेक्स्चर आया है। अच्छा, नमक मैंने इसमें जो है वो बाद में ऐड किया था, तो वो वीडियो जो है वो मुझसे डिलीट हो गई है। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको दाल के साथ सर्व कीजिए, आप लोग इसको चटनी के तौर पर खाइए या फिर आप इसको खाइए इसको एज अ साइड डिश आप इसको दे सकते, सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्ती चटनी यहाँ पर तैयार है। पराठे के साथ आप इसको जो है वो खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों सादे चावलों के साथ भी ये खाई जा सकती है, दाल के साथ सर्व की जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इस रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।